आज एक कांड हो गया। क्या हो गया कि मैं आज डेट हो गया है 26 सितंबर और दिन हो गया है संडे और एज यूजुअल मैं हूँ अपने मॉर्निंग वॉक पे और आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल ब्रायर लाइफ पे। देख रहा हूँ मौसम वगैरह भी चेंज हो रहा है, तो मौसम वगैरह चेंज होने से थोड़ा बुखार सर्दी जुकाम सबको हो ही जा रहा है, तो फिर से अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है वो मौसम चेंजिंग टाइम चल रहा है, बरसात का थोड़ा सीजन है, थोड़ा गर्मी है और ठंडी आने वाली है, तो इसके वजह से आपको सर्दी बुखार ये सब हो सकते हैं, वायरल फीवर वगैरह हो सकते हैं, तो आप अपना ध्यान रखें। और मैं हूँ वॉक पे अभी, तो वॉक अभी कंप्लीट किया नहीं है, कर रहा हूँ और फिर उसके बाद वॉक कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे बातें करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं सारी दुकानें बंद हैं, बंद होने का कारण ये है कि आज है संडे, संडे के कारण बहुत सारी दुकानें बंद रहती हैं, चाहे वो कोई भी दुकान हो, बट मेडिकल स्टोर वगैरह और एसेंशियल सर्विसेज के स्टोर्स वगैरह खुले रहते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए। दिन भर तो खुलते हैं, मतलब सारे नहीं खुलते, तो इसकी वजह से संडे की वजह से सारी दुकानें बंद रहती हैं, इसकी वजह से यहाँ पूरा सुन सन्नाटा लगा हुआ है, यहाँ एक भी दो लोग वही वॉक करने जो आए हैं वही है, फिर उसके बाद दूसरे लोग नहीं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मुझे जाना भी है, तो वॉक वगैरह कंप्लीट करके जाके, पैकिंग तो कंप्लीट हो ही चुका है पूरा, अब जाके एक दो छोटे काम है, वो काम कंप्लीट करके और साढ़े तीन में मुझे निकलना है अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ दिमापुर का आवास है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ दिमापुर का आवास है। थोड़ा अजीब तो लग रहा है क्योंकि कल से मैं दिमापुर में नहीं रहूँगा, फिर उसके बाद कितने दिन के बाद आऊँगा ये मुझे पता नहीं है, साल भर के बाद 6 महीने के बाद आ सकता हूँ, तो थोड़ा अपना सा हो गया था क्योंकि मैं यहाँ अप्रैल में आया था, अप्रैल में आने के बाद अप्रैल में जून जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर में मैं जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा कनेक्टिंग सा हो गया है, क्योंकि मैं बचपन मेरा यहीं गुजरा था, छोटा में मैं यहीं पला भड़ा, यहीं खेला, फिर उसके बाद यहाँ से मैं नेपाल चला गया, तो एक अच्छा वाइब देता है दिमापुर, बचपन की थोड़ी यादें हैं, यहाँ से जाऊँ या यहाँ से जाऊँ, यहीं से जाता हूँ। ये रास्ता जो आप जा रहे हैं ये रास्ता सिविल हॉस्पिटल के तरफ से निकलता है और ये हमारी कॉलोनी में बोल सकते हैं आप शॉर्टकट एक रास्ता खुला हुआ है, वहीं से निकलते हैं, वो शॉर्टकट ऐसे है नहीं, मुझे लॉन्ग कट पड़ेगा, तो जा रहे हैं क्या कर सकते हैं, उसी में जा रहे हैं, सोचा आप लोगों को सिविल हॉस्पिटल भी दिखा दो। ये गली में आपको मेडिकल संस्थान ही ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि यहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर का ये है आवास है, और ये सब तो COVID-19 टेस्ट वगैरह के लिए पहले बनाया गया था, जो अभी तक चल ही रहा है मे भी शायद, ये सिविल हॉस्पिटल जो है उसको कोविड हॉस्पिटल में चेंज कर दिया गया, क्योंकि वो यहाँ केस वगैरह मिल रहे थे उस टाइम, तो उनको चेंज करके और जो सरकारी हॉस्पिटल्स में होते हैं डॉक्टर्स, पता नहीं उनको दूसरी जगह बैठा कर अब चेकअप वगैरह किया जा रहा है, और आगे सिटी कॉलेज है इसलिए भी और सिटी कॉलेज बी टू सिटी कॉलेज का बोर्ड लगा है। देखिए ज़्यादातर यहाँ घर वगैरह टीने के ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बारिश वगैरह होती रहती है ज़्यादातर, तो बारिश होती है तो इसकी वजह से छत वगैरह ज़्यादा दिन
चलता नहीं है, तो इसी वजह से ज़्यादा टीना वगैरह का घर ही आपको मिलेगा, क्योंकि पानी निकल जाता है, टीना वगैरह घर से रुकता नहीं है। वो आगे वाइट वाला ये सब खा रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल के ही हैं। और ये देखिए कितनी छोटी सी दुकान है, ये छोटी सी दुकान से भी बहुत सारा पैसा कमाता है वो, 400, 500, 600, 700, 1000 भी हो जाता है। धूप तो बहुत तेज की आज आई हुई है, धूप इधर तेजी आ रहा है, पता नहीं क्यों बहुत तेज धूप आज निकल रहा है आजकल। यहाँ देखिए पूरा ऐसे नीचे डाउन जा रहा है, मैं जाना है इस छोटी सी गली में। दोस्तों तो मेरा सामान हो चुका है पैक, ये बैग है, ये झूला है और वो एक बैग है गिटार का, तो यही लेके जाना है, अब निकलने वाले हैं। और वही अवध असम जैसे मैंने आपको बोला था, अवध असम पकड़ना है। मैं भी रेडी हूँ, पूरा तैयार जाने के लिए। थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि इतना दिन से घर पे था गार्जियन के पास, अब हॉस्टल में जाऊँगा तो थोड़ा अलग हो रहा है, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ठीक है, मैं जाता हूँ स्टेशन में, तो आपसे मिलता हूँ, के लिए बने रहे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए, कुछ ही देरों में ट्रेन आने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा धूप पूरा जम के है, उसकी वजह से पसीना पसीना हो चुका है, और यहाँ मतलब धूप पूरा ये फ्लैट लग रहा है, डायरेक्ट नहीं लग रहा, तो फ्लैट को ऐसे धूप चेहरे पर पड़ रही है, और ठंडी का कोई जगह ही नहीं है, धूप ही चारों तरफ। एक पंखा तो है इधर, पंखा का हवा आ रहा है, ठीक। दूसरी कोई ट्रेन रुकी हुई है और भीड़ देख रहे हैं, जो भी भीड़ है वो जो भी भीड़ आप देख रहे हैं वो अवध असम के लिए ही है। अवध असम जाने के बाद पूरा भीड़ खत्म, क्योंकि अवध असम मान लीजिए कि दीमापुर के लिए बहुत बहुत पैसेंजर्स हैं जो अवध असम को चढ़ते हैं दीमापुर के लिए, क्योंकि कुछ आसाम जाने के लिए भी चढ़ते हैं, कुछ वेस्ट बंगाल, कुछ इधर बिहार के लिए भी जो हम लोग बिहारी वगैरह हैं, और कुछ दिल्ली के लिए भी ट्रेन जाती है, तो ट्रेन बहुत ज़्यादा कवरेज करती है, इसके वजह से जो ट्रेन में आपको ज़्यादा व्यक्ति मिल जाएंगे देखने को, जो आए प्रेफर करते हैं कि अवध असम में चौथा जाए। अवध असम में ये भी बात है कि आपको पैंट्री कार मिल जाता है, और
इस सब की वजह से वो एक अच्छा ट्रेन उभर के आता है कि हाँ इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमें अभी डिफो स्टेशन पर और कुछ ही देरों में हमारी गाड़ी घूमने वाली है। एसी बहुत चला गया, बहुत ज़्यादा करके एसी है, इतना ज़्यादा एसी है घूम भी गया। चलते हैं वो भी मैं अपना। दोस्तों मैं हूँ अभी लैंडिंग स्टेशन पे। जैसे कि आपने मतलब मैं उतरा था डिफो स्टेशन पे तो थोड़ी देरों में गाड़ी खुल गई, तो वह मैं आपसे बात नहीं कर पाया। मैं आपसे मतलब बात करने के लिए ही लैंडिंग स्टेशन पर उतरा हूँ। तो मतलब एसी आप फुल करके रखे हुए हैं पूरा चैम्बर का, और बहुत ठंड वगैरह भी मतलब ज़्यादा एसी है, बंदे कम हैं और ये एसी फुल है, ठंड ज़्यादा लग रही है। और फिर उसके बाद अकेला हूँ इसके वजह से मैं ज़्यादा फूल कर नहीं पा रहा हूँ। इसकी वजह से आपको मतलब आप बोल रहे होंगे कि ये ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, कट ज़्यादा लग रहा है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पा रहा। और लैंडिंग अभी आ गया, फिर उसके बाद थोड़ी देरों में 9:30-9 बजे गुवाहाटी पहुँचूँगा। उससे पहले मैं खाना घर से ही लाया हूँ, तो खाना वगैरह मैं खा लूँगा, मतलब ट्रेन में घर से ही लाया हूँ, ऑर्डर वगैरह नहीं कर लिया। तो यही अब तक का स्टेटस है। फिर उसके बाद मैं ये वीडियो, आप मान सकते हैं कि ये वीडियो यहाँ एंड हो रहा है, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा मोड़ा अगर खिला तो मैं खुद कहूँगा कि गुवाहाटी स्टेशन अगर जल्दी पहुँचा दिया उस स्टेशन तक मैं मतलब जगा रहा, अगर सोया नहीं तो गुवाहाटी स्टेशन से आपसे ज़रूर मिलूँगा। तो यही था अब तक का अपडेट, आगे आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों तो अभी हो रही है शाम के 7 बजने वाले हैं और मेरे खाना खाने का टाइम हो रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं घर से ही खाना लाया हूँ, तो ये रहा इस टिफिन में, इसमें रोटी है और इसमें आलू और गोभी का भुजिया है। तो मैं पहले निकाल रहा हूँ तो फिर मैं आपको बताऊँगा। ये रहा आलू गोभी का भुजिया और ये रहा जो मतलब मेरी मम्मी एक बनाती है, क्या करती है कि मिर्च को नींबू में 2-3 दिन के लिए सिरका टाइप का रख देती है, तो वो सिरका टाइप का सिरका वाला मिर्च हो जाता है। और ये था मेरा अभी का भोजन, फिर उसके बाद खाने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। दोस्तों तो मेरा खाना हो चुका है कंप्लीट और मैं अब सोने जाऊँगा, क्योंकि कोई काम है नहीं करने को। और यार एसी का ये तो पूरा टेम्परेचर बहुत लो हो गया है ये पूरे कोच का, क्योंकि एसी का जो ये है टेम्परेचर वो बहुत लो कर दिया गया है। पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है कि बंदे कम है इसके वजह से ये ज़्यादा लग रहा है, बट ऐसा भी नहीं है, वो पहले से ही कम किया हुआ है। तो बहुत ठंडी टाइप ये बड़ी है और बाहर जाने से एकाएक फॉग जम जा रहा है मेरे स्पैक्स पे। तो मैं उस टाइम तो आपसे बात करने के लिए निकला हुआ था, तो जैसे ही मैं निकल रहा हूँ पूरा धुंधला धुंधला, मैं बोला यार चलो तरह भीड़ हो गया क्या। तो फिर मैं स्पैक्स में देख रहा हूँ तो पूरे स्पैक्स पे फॉग जम चुका है। तो इसी की वजह से मैं पहले साफ किया, तब तक ट्रेन का टाइम हो गया खुलने का, तो फिर मैं ट्रेन में आ गया, आपसे बातें भी सारे नहीं कर पाया। और खाना वगैरह तो मैं खा चुका हूँ, तो खाना मैं घर से लाया था और सुबह भी नाश्ता वगैरह के लिए है, तो नाश्ता वगैरह के लिए चल जाएगा, फिर कल दिन में ऑर्डर करूँगा घर से। और कुछ बंदे बोल रहे हैं कि यार घर से खाना लाया बाहर भी तो ऑर्डर कर सकते, भाई मैं अब जा रहा हूँ हॉस्टल में, हॉस्टल में जाने के बाद घर का खाना तो भूल ही जाओ। तो मैं भी 1 साल 1.5 साल 6 महीना कब फिर खा रहा हूँ, तो घर का खाना घर का खाना ही होता है, अब बाहर का ही जो खाना है। तो यही बात है और थोड़ा सैड हूँ, क्योंकि कल से जो मैं अपने माँ अपने भाइयों से अपने पापा से जो मिलता था बात करता था वो कल से मिले नहीं गए। कल से हाँ दोस्त है हॉस्टल वगैरह में तो दोस्त हैं, बट उतना वो
कि यार माँ बाप से ज़्यादा दोस्त नहीं कर पाते। तो यही बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, तो मैंने शेयर की। आप तो हमारे फैमिली मेम्बर हो, तो आपको ये जानना जरूरी भी है, तो मैं आपसे हर बातें कर सकता हूँ। आप भी मुझसे हर बात कर सकते हो कमेंट करके। अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे तो कहाँ से आप बात कर सकते हो। और एक और जरिया है, आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फॉलो करो, मैसेज करो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और प्लीज़ एक दो बंदे यार मुझको मैसेज कर रहा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहा हूँ। भाई ऐसा मत करो, ये यूट्यूब के गाइडलाइन से खिलाफ है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है, आपको ये पता रहना चाहिए। तो प्लीज़ यार कायदे में रह के सारे काम करो। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, और मेरे एक और चैनल है राहुल कुमार भरत नाम का, आप उसे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग और अच्छा लग जाए, अच्छा से कुछ डेवलप ज़्यादा, तो आप शेयर कर सकते हैं। और आपको क्या लगा मेरे वीडियो में अच्छा, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे किसी रोचक वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुश रहे, अपने आस पास के लोगों को भी खुश रहे, हमेशा सफाई बनाए रखें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय। क्या हो गया कि मैं कल का वीडियो आज अपलोड कर रहा था, तब तक पता नहीं मोबाइल मैंने पॉकेट में रखा था, क्या हुआ नहीं हुआ, मोबाइल ऑफ हो गया, खुल ही नहीं रहा था। सिर्फ थोड़ा सा खुल के फिर ऑफ हो जा रहा था, खुल के ऑफ हो जा रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने उसे कितने मतलब 2-3 घंटा उस पर ये किया तो वो खुला। फिर उसके बाद खुलने के बाद उसका मैं मतलब सुबह जो एडिट वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट किया था वो वीडियो डिलीट हो गया है। और ये कहिए कि जो वीडियो मेमोरी कार्ड में था पहले के जो रॉ वीडियोज वो हैं, तो वो मैं फिर से एडिट करूँगा, फिर से डालूँगा। यार सुबह ही मैं डाल दिया था, फिर से एडिट करके फिर से डालना होगा, तो एक दिन डिले चलेगा ब्लॉग। अब आज का डालूँगा परसों, वो वाला डालूँगा कल। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा यार, बहुत दिमाग ख़राब। मैं बोला कि यार मेरा मोबाइल ख़राब हो गया क्या पूरी तरह से। तो फिर उसके बाद कैसे जैसे करके वो मोबाइल खोला, फिर मैं वहाँ जो उसका फाइल वगैरह चेक किया तो एक्सपोर्ट जो फाइल मैंने किया था एडिट करके वो डिलीट हो गया है, और जो रॉ फाइल्स हैं जो रॉ वीडियोज़ हैं वो है। फिर से वीडियो एडिट करना होगा, क्या कर सकते हैं।